अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुशाहिद हुसैन पाशा आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ लेकर आपका अपना हलाल और तैयार प्रोग्राम जिसका नाम है रसोई प्लस जायका ज़िंदगी का। नाज़रीन, मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो नाज़रीन, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। तो नाज़रीन, हर बार हमारे शेफ आपके लिए कुछ ख़ास लेकर आते हैं और देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में वो आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं। तो नाज़रीन, मैं दावत देता हूँ शेफ मोमिन फ़खी साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रसोई प्लस की जानिब से मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जी शुक्रिया। तो शेफ, हमारे नाज़रीन को बताइए कि आज आप उनके लिए क्या खास डिश बनाने वाले हैं। जी आज हम बनाएंगे रोज़ स्टीव योगर्ट। तो शेफ, ये बताइए कि ये जो डिश है ये क्या है और इसमें आप क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। जी ये एक डिज़र्ट है। ओके। और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये कंडेंस मिल्क है। ओके। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं अलग अलग ब्रांड के हिसाब से। ओके। वो है फ्रेश क्रीम। ओके। वो है दही। दही नॉर्मल दही है। जी हाँ, जैसा एवरेज हम यूज़ करते हैं घरों में। जी हाँ। ओके। ये है कार्डमन पाउडर, यानी जो हरी इलायची है उसका पाउडर बना के हमने रखा है। वेरी गुड। ये है रोज़ सिरप। रोज़ सिरप जी, इसकी जगह पे हम कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास रोज़ सिरप ना हो तो आप रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल कर सकते हो। नाज़रीन, रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा ऑल्टरनेट दे दिया शेफ़ ने। जी हाँ शेफ़, ये बस पाँच चीज़ों से आप ये बना रहे हैं। जी हाँ, बस पाँच चीज़ें और बन गया आपका स्टीम योगर्ट तैयार। माशाल्लाह जी। तो कैसे बनाएंगे बताइए हमारे नाज़रीन। जी हम शुरू करते हैं। जी ये स्टीमर है। ओके। अगर आपके पास ऐसा स्टीमर ना हो तो जिसमें हम इडली बनाते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है नाज़रीन, इडली वाले स्टीमर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ये गैस हम अब ऑन करते हैं और इसे आप स्लो पे रखेंगे। शेफ, इसमें कुछ डाला है आपने? जी हाँ, इसमें पानी है। पानी है अभी? जी हाँ, जैसे हम स्टीम करते हैं वहाँ पे मेजरमेंट है उस हिसाब से हमें पानी डालना है। तो आपने कितना पानी रखा है इसमें? ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए नाज़रीन, तकरीबन आधा लीटर पानी इसमें मुझे लग रहा है जैसे हम स्टीम करते हैं। हाँ, इसके नीचे। ओके। ये देखिए, ये पॉट अंदर डाला। हाँ, ये पॉट अंदर फिट किया। यहाँ तक है पॉट। जी यहाँ तक पॉट है, पानी इसके नीचे। ओके। ये हम स्लो पे रख दिया, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके। अपना प्रोसेस ठीक है। ये हमने लिया दही। ओके। दही है 300 ग्राम। 300 ग्राम दही। जी हाँ जी, हम विक्स लेंगे। ओके। ले लीजिए, इसे हम अच्छे से फेंट देंगे, स्मूथ करेंगे। ओके। नाज़रीन, आप भी इसको अच्छे से फेंट लें, अच्छी तरह फेंटे और इसको स्मूथ करें। ये देखिए स्मूथ हो गया, ये अभी बहुत स्मूथ हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे क्रीम। क्रीम लेंगे 225 ग्राम। 225 ग्राम क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, ये क्रीम इसको मैं नीचे रख दूँ? जी हाँ, इसे भी हम फेंट देंगे। ओके। ताकि जो क्रीम है दही के साथ अच्छी तरह मिल जाए। जी, दही और क्रीम को मिक्स करके बहुत अच्छे से। जी ये हो गया, बनाना है। अभी हम डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क, ये भी हम लेंगे 225 ग्राम। 225 ग्राम कंडेंस मिल्क। जी नाज़रीन, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी बना बढ़ा सकते हो। बड़ा। जी हाँ जी। अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे विस्क के साथ। ओके। अभी हम डालेंगे इसमें रोज़ सिरप। रोज़ सिरप। ओके। जी हाँ, ये मैं चम्मच ले लेता हूँ ये वाला। बिल्कुल, आप मुझे बताइए। मैं ये एक रेड, बिल्कुल एकदम दो, इसका जो कलर है वो रेड है। चार पांच बड़े चम्मच। पांच टेबल स्पून। जी पांच टेबल स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें शेफ। जी हाँ। और ये जो कार्डमन पाउडर है जी, ये चुटकी भर बस। हरी इलायची का पाउडर एक चुटकी तकरीबन। जी हाँ, अभी हम इसे मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बहुत ही शानदार इसका अपना एक फ्लेवर निकल कर आया है, इसका कलर निकल के आया है। जी हाँ जी, ये हो गया। सभी रेडी है? जी, अभी हम इसको स्टीम करेंगे। ओके। जी मैं बताता हूँ अभी आपको स्टीम करने वाले हैं। ये मैं पॉट ले लेता हूँ। ये देखिए, मैंने इस पॉट में, ये मुझे दिखाइए हाथ में लेके, मैं देखना चाहता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, कितना खूबसूरत, बिल्कुल बहुत प्यारा सा इसका बाल्टी जैसा लुक आ रहा है।
और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। जी हाँ, टेस्ट तो बाद में टेस्ट करवाएंगे आप मुझे, दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा ये। जी ये लीजिए शेफ जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये चाहिए आपको? जी हाँ ये लीजिए। शुक्रिया। कमाल की दालें हम, क्या बात, ये साथ साथ खाना बहुत जरूरी। सारे पॉट आप ऐसे ही भर दें? हाँ, ये थोड़ा देखने में बहुत हाँ अच्छा लग रहा है, इसका लुक बहुत शानदार है। और ये डिज़र्ट आपने बताया ना? जी हाँ, ये डिज़र्ट है। ये डिज़र्ट है इसलिए थोड़ा बच्चों को बहुत पसंद आएगा। जी ये देखिए, वाह क्या बात है। अभी हम ये स्टीमर खोलेंगे। सब ये गिरेगा भी नहीं ना? जी नहीं दादा, आप हिलाइए नहीं। अभी हम ये स्टीमर खोलेंगे जी और इसमें स्टीम करने रखेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि शेफ़ ने बताया, पहले वो इनको रखने वाले हैं स्टीम करने के लिए, और 7 मिनट तक तकरीबन वो स्टीम करेंगे। उसके बाद में स्टीम करने के पीछे की वजह ये है कि जो इंग्रेडिएंट्स का इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके साथ सेट हो जाए। फिर उसके बाद वो तकरीबन आधा घंटा, ठीक है ना सर, आधे घंटे तक वो उसको फ्रिज में रखने वाले हैं ठंडा करके, क्योंकि ये डिज़र्ट है और ये कोल्ड डिश है। उसके बाद ठंडा करके जब आप खाएंगे, आप आधे घंटे से ज़्यादा भी उसको फ्रिज में रख सकते हैं। जी थैंक यू शेफ़। अब आप बताइए हमारे नाज़रीन को कि कैसे इसमें स्टीम करेंगे आप इसको? अभी हम इसे स्टीम करेंगे। ओके, 7 मिनट के लिए। ले लीजिए शेफ। ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बाल्टी देखिए दोस्तों, ये कुकर है ना बहुत गर्म है, इसको पकड़े ना प्लीज़, ऐसे ही पकड़ के इस्तेमाल करें। अब हम इसे ढक देते, ठीक 7 मिनट बाद हम इसे निकालेंगे। नाज़रीन देखिए, ये शेफ ने बिल्कुल अच्छे से अंदर उसको चारों उसकी बकेट सेट कर दी है, उसको 7 मिनट के बाद निकाला जाएगा ताकि वो अच्छे से स्टीम हो जाए। उसके पीछे वजह यह है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है वो अच्छे से सेट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे उसके साथ में। और ध्यान रहे बराबर 7 मिनट बाद, नहीं तो अगर ये ज़्यादा स्टीम होगा तो ये फट सकता है। देखिए नाज़रीन, खास ख्याल रखें इस बात का, अगर ज़्यादा वक्त लग गया तो वो ख़राब भी हो सकता है। जी ये मैं शेफ इसको खोलने वाले हैं। जी हाँ, टाइम पूरा हो चुका है, 7 मिनट हो गए हमारे। ये देखिए अभी मैं इसे निकाल देता हूँ। चूल्हा बंद किया शेफ ने, उसको निकाल रहे हैं। ये गर्म होगा थोड़ा सा, ये देखिए ज़बरदस्त। ये चौथा और ये चौथा शेफ, ये रेडी है? जी, हमें अभी इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखना है? जी हाँ। तो नाज़रीन देखिए, अभी आधा घंटा और इसमें लगेगा, तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जी जी, मैं रख दूँ या आप रखने वाले? जी आप रख दो। चलिए थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आप देख लें गौर से, मुँह में पानी आ रहा होगा आपके भी। फ्रिज में रखने के आधे घंटे के बाद मैं इसको निकाल कर आपके सामने पेश करूँगा इसको। जी जी शेफ, मैंने उसको रख दिया फ्रिज में। जी हाँ, अब आप बताइए कि अब क्या करें इस बीच में हम? जी अभी हम इसकी एक छोटी सी गार्निश बना देंगे। ओके जी, ये गार्निश में आप क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? उसमें हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर। ओके, थोड़ी सी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर नाज़रीन, ये वही आइसिंग शुगर है जिसको नॉर्मल चीनी जो होती है घर में, जो जिसकी हम चाय बनाते हैं उसको पीस कर बनाया गया है। तो ये जो नॉर्मल शुगर जो घर में होती है, नॉर्मली चाय में इस्तेमाल करते हैं, उसको इन्होंने ग्रैंड किया है, जी पाउडर बनाया। थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा मैदा। मैदा ये देखिए, मैदा बिल्कुल नॉर्मल मैदा है जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये गैस ऑन करता हूँ मैं, आप मुझे वो पैन दोगे? ये लीजिए। यस, थोड़ा सा बटर। ओके, इसे थोड़ा मेल्ट करेंगे। ओके, देखिए जैसे गर्म होते जा रहा है वो मेल्ट होते जा रहा है। देखिए गार्निशिंग जो है वो भी बड़ी कमाल की चीज़ है, डिश बनने के बाद उसको सजाना संवारना, उसको एक ब्यूटीफुल लुक देना, ये क्वालिटी होती है। ये देखिए इसे अभी अच्छी तरह मिला देंगे। ये मैदा डाल के उन्होंने उसको मिला रहे हैं वो, उसको मिला दिया। थोड़ा आइसिंग शुगर। ओके, ताकि ये मीठी रहे, मीठी रहे बने। कितना आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं? 20 ग्राम। जी 20 ग्राम तकरीबन, 20 ग्राम आइसिंग शुगर। कोको पाउडर। कोको पाउडर ये देखिए, ये देखिए जी चॉकलेट बनके तैयार हो गई। हाँ जी रेडी है। मैं उसके लिए एक बॉल आपको देता हूँ, इसमें हम निकाल लेंगे। ओके, इसको शेफ कितना मिनट लग गया बनाने में? तकरीबन 2 मिनट लग गया इसे बनाने में। जी नाज़रीन, बस 2 मिनट में बनके तैयार हो गया है। जी जी, अभी हमारा स्टीम योगर्ट तकरीबन हो गया होगा। ओके,
हम अभी उसे प्लेटिंग कर देंगे। ठीक है, आप लेके आएंगे वो? जी बिल्कुल, मैं प्लेट निकाल लेता हूँ। जी शुक्रिया। कितना रेडी हुआ है तो आप ही बताएंगे। जी हो गया। जी इसे हम अभी प्लेट पे रख देंगे। ओके। जी बहुत अच्छे से रख दिए हैं। शेफ तीनी रखेंगे उसमें? जी हाँ। ओके। और ये जो बनाया था हमने चॉकलेट? जी जी। से छिड़क देंगे इसको। हाँ जी। गार्निशिंग का नाज़रीन ख्याल रखें। ये मट्टी आप खा सकते हो। ओके। जी हाँ, ये सा और ये थोड़ा सा मिंट। ओके, अभी मिंट भी इसके साथ हम मिंट भी खा सकते हैं। ये सा। तो ये रेडी हो गया शेफ? ये हमारा रोस्ट स्टीम योगर्ट तैयार है। तो नाज़रीन आपकी डिश बनकर तैयार है। डाइनिंग टेबल पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं तो शेफ ने इसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है और कितनी तादाद में किया है। नाजरीन नोट कीजिए इसकी रेसिपी। 300 ग्राम दही, 225 ग्राम कंडेंस मिल्क, 4 टेबलस्पून रोज सिरप, बाकी आप नोट कर लीजिए। तो नाजरीन मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी रेसिपी लिख ली होगी। तो नाजरीन ये खुशबूदार डिश बनकर तैयार है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।